ऐसा प्रश्न हुआ है शास्त्रों में, ये भागवत में आता है, भगवद गीता की बात नहीं, श्रीमद् भागवत में आता है। ऐसे ही प्रश्न किए जाते हैं। तो जैसे मैं अपनी भाषा में कहता हूँ, वो हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों का जो जो गति होती है, जैसे गाड़ी में हम चलाते हैं, मोटर गाड़ी से जा रहे हैं अथवा साइकिल से जाते होंगे, तो ब्रेक दबाते एकदम से नहीं रुकती गाड़ी, है ना, धीरे धीरे धीरे, लेकिन रुकती ज़रूर है अगर ब्रेक लगाए और स्टीयरिंग व्हील को बराबर हाथ में पकड़ के रखे। तो जैसा ब्रेक पर रखा वैसे उधर की उधर फ्रीज नहीं हो जाती तुरंत, नहीं, थोड़ा 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 जाके सामने जा कर के बराबर जगह पे लाई जा सकती है, रुकती है। उसके लिए पहले से ब्रेक लगाना पड़ता है। जब भी ब्रेक जीवन में लगाया उससे थोड़ा सामने जा कर के रुकेगी, क्योंकि उसका अपना मोमेंटम है, उसके गाड़ी का अपना अपना वजन है और उसकी अपनी गति है पहले से जो चल पड़ी थी। तो ऐसे ही जो जीवन में संयम का ब्रेक लगाए ना, कंट्रोल करने संयम का ब्रेक लगाए और ज्ञान की बत्ती जले, लाइट से नहीं दिखाई दे रहा है, और अपना विवेक स्टीयरिंग व्हील इतना विश्वास रखे, मैं हाथ जोड़ के कहता बिल्कुल जरूर रुकेगी गाड़ी, 100% विश्वास को ना खो दे इसमें, कोई मायूस तो है, विश्वास तो है कि पता नहीं इस जन्म में है या अगले जन्म में। 100% मिलेगा, मिल ही रहा है, नहीं तो इधर फिर से नहीं आते थे, है ना, इस जगह पे फिर से नहीं आते थे। गीता में रुचि नहीं होती थी, भगवान के नाम में कोई आस्था नहीं होती थी, और अगर यात्रा बाकी रहती थी और कुछ बाकी संसार का अनुभव करना था तो फिर परमात्मा की ओर नहीं आते थे। उस देर सवेर सभी आते हैं, है ना, इसमें कोई अच्छे बुरे की बात नहीं है, सब जिस खाली समय है। हाँ, आत्मा तो फिर कोई चिंता नहीं। हाँ, तभी अगर अब राम जी के चरित्र की ओर देखे, कृष्ण भगवान के चरित्र में देखे, अथवा सीता माता, रुक्मिणी माता, अथवा तो उनकी माताएं कौशल्या माता, दशरथ राजा, वासुदेव जी, यशोदा मैया, नंद बाबा, सबने भगवान के साथ थे, भगवान के बाप थे, भगवान के माँ थे, भगवान के पिता बनकर, प्रपिता माँ बनकर भी, पत्नी बनकर भी, और भगवान स्वयं भी आए। तो जीवन यात्रा, जीवन इधर तो काम तो चलाना था, योग की यात्रा ही वही है, गीता में वही कहा है कि करना तो पड़ेगा, सपने को पूरा करना पड़ेगा, है ना, सपने में पता चल गया, सपना चल गया तो पूरा पूरा करे, आराम से करे, लेकिन मस्त करे, फर्स्ट क्लास, हंसते गाते, मायूस होकर नहीं, मज़े में इसको प्रसाद समझ के, उसको साथ देकर, उसका और सजाए संवारे, उसके सपने को और सुंदर बनाए। ले ले दाता, मैं समझ गई तू ही सपना देख रहा है, ये सारे अनुभव तेरे को मिल रहा है, जो रो रहा है तो वास्तविक में तेरे को रोना आ रहा है, कोई हंस रहा है तो तेरे को हंसी आ रही है। तो फिर मैं अगर इस मेरे अगर बस में हो तो मेरे इर्द गिर्द जितने हैं उनको बस मैं हंसाएँ वो हंसाऊँ, किसी को न रुलाओ, क्योंकि मैं समझ गई कि उन सब में से तू अनुभव ले रहा। तो ये तो सीक्रेट पता चल गया है कि उसको हंसाने की युक्ति, संधि मिल गई, अपॉर्चुनिटी मिल गई, मौका मिल गया उसको प्रेम करने का। ये जो संसार चल रहा है, बच्चों का करना पड़ रहा है, बहू का, जो भी पति का, मित्रों का, ये तो फिर तो अभी तो मौका मिल गया उस पर प्रेम करने के लिए, उसको आनंद देने के लिए, उसको और अच्छे अनुभव देने के लिए मौका मिल गया। ये जब तक शरीर है तब तक ही ये मौका है, शरीर छूट गया तो मौका भी छूट गया, है ना। तो बिल्कुल मरते दम तक ये मौके को ऐसा मस्त निभाए कि जो आए उसको प्रेम ही प्रेम दे, कहीं अपनी अटक ना रखे, अपना कुछ रहे ना रहे, बस प्रेम ही प्रेम दे। तो 100% दीदी, तुम उस कृष्ण, उस कन्हैया को ही प्रेम दे रही हो, 100% का 100%। उस शरीर से लग रहा होगा बहू है, बेटा है, पति है, अपना जो भी, लेकिन वास्तविक में अभी बताया इसी अध्याय में सुना कि वो ही है हृदय में। तो अपना नाता उससे जोड़ के रखे, अंदर से अपना सीक्रेट रिश्ता उससे जोड़ के रखे, बाहर से जो दिखाई दे रहे सबको नमस्कार चमत्कार, लेकिन अपनी तार भीतर से उसके साथ जुड़ी रहे कि जो भी वर्ताव कर रही हो मैं वो तेरे, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये मुसीबत न लगे संसार, इसी की जगह पे एकदम उल्टा लगे, अरे प्रभु कितना मौका दे दिया, इतने लोगों के रूप में तू मेरे सामने आ गया, इतने लोगों को खिलाने के मौका मिल गया, इतने लोगों को आनंद देने का, इतने लोगों को आस्था सांत्वना, इतने लोगों को, क्योंकि इनमें से तू ही अनुभव कर रहा है। अब तू जानता है और मैं जानता हूँ अपना रहस्य, इनमें से कोई नहीं जानते। मैंने तो गीता के अनुसार ये योग का मार्ग नहीं है, वो संन्यास का मार्ग है ना। पांचवें अध्याय में ये बात आती है, शुरू में अगर पांचवा अध्याय पढ़े तो ये आज दोपहर के 1 बजे जो छठा अध्याय चल रहा था उस समय मैं ये बात कह रहा था, ये फिर से इधर कहता हूँ
भगवान, ये मैंने इधर भी कही है, अपने सत्र में भी कही है, लेकिन याद दिलाता हूँ, सन्यासी और योगी में बहुत फर्क है। भगवान कहते हैं गीता में, दोनों एक ही जगह पे पहुँचते अंत में, जिधर पहुँचेंगे उधर ही मैं ही बैठा हूँ। भगवान कहते हैं सन्यासी भी मेरे पास आएगा, योगी भी मेरे पास आएगा, लेकिन अर्जुन तू सन्यासी मत बन, योगी बन। वो कहते तू तस्माद योगी भव अर्जुन, तू सन्यासी मत बन, तू योगी बन। तो इसमें क्या अंतर आता है? सन्यासी उसको कहते हैं जो अब जो इर्द गिर्द रखा है उससे खुद भाग जाए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं करना है, ऐसा नहीं वैसा नहीं करके सब छोड़ के अपना अलग कुछ करे, अपनी इच्छा रखे। और योगी वो हो जाए जो मेरे से जो छूट रहा है, मेरे इर्द गिर्द वाले जो छोड़े जा रहे हैं वो छोड़ने दे छूटने दे, लेकिन अपन इधर ही बैठे रहे, अपन वैसी ही सेवा करे, अपन वैसा ही रहे जिस मार्ग में है वैसे। सो योग के मार्ग में आप हो, गीता का मार्ग योग का मार्ग है, तो ये रहेगा ही, और ये ठीक भी है कि सेवा करनी पड़ रही है, डब्बा बना देना पड़ रहा है, चिंता करनी पड़ रही है। ये ऐसे ही चिंता यशोदा माता को भी पड़ी थी, सबों के लिए यही चिंता लगी हुई थी, लेकिन उनको कोई उसमें कठिनाई नहीं, उसका संकट नहीं आया, लेकिन उसके साथ मन से तार न छूटे, उससे रिश्ता नहीं चाहिए, तो कृष्ण का डब्बा बना रही है, कन्हैया के लिए चिंता कर रही है, बस उससे अगर उसको मोड़ दे दे तो परम सिद्धि प्राप्त है। और ये बात को भी मान ले कि अगर सच्ची है तो फिर ये अंतिम जीवन है, सचमुच में अगर प्रेम है तो ये अंतिम जीवन है, ये पक्की बात, इसके बाद फिर उसके साथ ही रहना कर, तो आराम से फर्स्ट क्लास जिए। बहुत अच्छा लगा ऋचा दीदी, आप भी कुछ जोड़े इसमें, आपका आपका आज का किसान अनुभव और फिर नीता बहनी। नमस्कार नमस्कार। हे हिंदी बोलना रहे तो नागपुर के, तो नागपुर वालों को हिंदी की कोई मुसीबत नहीं है। हाँ मैं ये पूछती हूँ कि हम इस मोह माया से छूट सकते हैं क्या? जो संसार है, हमारे पीछे बच्चे हैं, ये करना है वो करना है, ये कभी हम छूट सकते हैं क्या इससे?